नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चीन और अमेरिका आपस में रिश्ते सुलझाने के चाहे जितने जतन करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। दक्षिण चीन सागर में अब अमेरिका फिर कुछ ऐसा ही करने जा रहा है जिससे चीन बौखला उठा है। इस बार भी वजह फिलीपींस ही है। दरअसल फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मंगलवार को अमेरिका के साथ समुद्री और हवाई गश्त शुरू करने की घोषणा की है। मार्कोस के इस बयान को अमेरिका और फिलीपींस की रक्षा संधि को और मजबूत करने की एक पहल बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर चीन के पेट में एक बार फिर से दर्द शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी, इसके बाद से माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो जाएंगे। हालांकि मुलाकात के बाद ही बाइडेन ने अपने बयान से ये दर्शा दिया था कि दोनों देशों के बीच इतनी आसानी से संबंध सामान्य नहीं होंगे। दरअसल जिनपिंग से मुलाकात के बाद ही मीडिया से बातचीत में बाइडेन ने शी को एक तानाशाह करार दिया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसे लेकर आपत्ति भी जताई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस की यह पहल दोनों रक्षा संधि संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो मार्कोस का यह फैसला फिलीपींस में अमेरिकी सेना की संख्या दोगुना कर देगा। इससे अमेरिका की पहुंच उन ठिकानों तक पहुंच जाएगी जिससे वह ताइवान की भी आसानी से मदद कर सकेगा। मार्कोस ने कहा है कि अमेरिका और फिलीपींस की सेना संयुक्त गश्त करेगी और एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाएगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने एक दिन पहले ही फिलीपींस तटरेखा से चीनी सेना की निकटता का हवाला देते हुए कहा था कि दक्षिण चीन सागर के हालात पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हो गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं की संयुक्त पेट्रोलिंग से चीन भड़क सकता है, क्योंकि वह पहले भी अमेरिका को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के प्रति आगाह कर चुका है।